पढ़ेंगे हम आपका क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स, आपका एसएसटी में चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है आपका? भिन्नता, मतलब अलग अलग होना। ठीक है, तो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि कैसे हम अलग अलग रहते हैं, डाइवर्स है हमारा रिलीजन, इंडिया डाइवर्स है, फिर भी कैसे हम साथ में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है आपका, डाइवर्सिटी है जैसे भिन्नता है, अलग अलग जो है हम रहते हैं, उससे क्या होता है आपका डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मीन्स होता है आपका भेदभाव। ठीक है, भेदभाव होने लग जाता है ना दोस्तों में, है ना, तो हमें कैसा लगता है, हर्ट होता है हमें, गुस्सा आता है, हम हेल्पलेस फील करते हैं, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। तो इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर में। अब इसमें आपका पहले डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज। डिफरेंस मीन्स अलग अलग होना, डिफरेंस मीन्स, ठीक है, तो डिफरेंस का मीन्स हो गया अलग अलग, और प्रेजुडाइज का मतलब हो गया आपका पहले से ही क्या लगाना, अनुमान लगाना। और कैसा अनुमान लगाना? नेगेटिव थॉट, कि कोई भी ग्रुप या रिलीजन या फिर कोई भी पर्सन, हमने कैसा मान लिया है कि उसकी जो हमने माइंड में क्या बना रखी है, अपनी ओपिनियन बना रखा है कि वो वैसा ही है मतलब। और तो हम सबके बारे में ऐसे ही सोच लेते हैं कि अगर ये ऐसा है तो सारे ही, मतलब जो वैसे रिलीजन या फिर कम्युनिटी के लोग हो गए, सब वैसे ही होंगे। और नेगेटिव थॉट बनाना, उसे हम प्रेजुडाइज कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे हम यहाँ पर कि देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस वॉट वी आर, कि बहुत सी ऐसे चीज़ें होती है जो हमें बताते हैं हमारे बारे में कि हम क्या हैं, जैसे कि हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं, द लैंग्वेज वी स्पीक, कौन सी हम भाषा बोलते हैं, क्या हम खाते हैं, क्या हम पहनते हैं, क्या हम गेम खेलते हैं, और क्या हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ठीक है, तो ये सब ज्योग्राफी और हिस्ट्री से रिलेटेड है हमारी, कि जगह से कि कैसे हम रहते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी क्या हो गया आपकी, वो कंडीशन कहाँ पर हम रहते हैं, कैसी जगह में रहते हैं हम, वहाँ पर रिवर्स, वैली, हिल्स, माउंटेन्स, ज्योग्राफी में ये सब आता है आपका। ठीक है, तो हम कैसे रहते हैं। हिस्ट्री मीन्स आपका पहले कैसे लोग रहते थे, क्या रिलीजन वो फॉलो करते थे, क्या उनके बिलीव्स थे, तो इसे हिस्ट्री बोलते हैं आपके। ठीक है, तो इससे पता लगता है हम कैसे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपके आइडियाज़ है जिससे कि आपको पता चलेगा कि इंडिया कितना डाइवर्स है, कितना भिन्न है, ठीक है, कितना बड़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 8 रिलीजन हैं आपके, वर्ल्ड में मेजर रिलीजन, और उसमें से हर एक रिलीजन जो है इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। वी हैव मोर देन, ठीक है, हमारे पास 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेज है, और लोगों की जो मदर टंग है, ठीक है, मतलब जो उनकी मातृभाषा है, जो वो बोलते हैं टंग लैंग्वेज, एंड मोर देन 100 डांस फॉर्म, और 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म है। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। ठीक है, पर जो ये डाइवर्सिटी है, मतलब जो ये भिन्नता है, ये हर बार क्या नहीं होती है, सेलिब्रेट नहीं की जाती है, मतलब सब लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ़ एंड सिक्योर। ठीक है, क्योंकि हम उसी के साथ सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, जो हमारे जैसे दिखते हैं। ठीक है, जो हमारे जैसे हैं लोग, जो हमारे से जैसे बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, जो हमारे तरह सोचते हैं, तो हमें वही लोग पसंद आते हैं। समटाइम वैन वी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समटाइम वैन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर। ठीक है, तो जो लोग हमसे डिफरेंट है, अलग दिखते हैं, ठीक है, तो हम उनके, हम क्या देखते हैं कि वो हमसे कैसे हैं, स्ट्रेंज है, अलग है, अनफैमिलियर, हम उन्हें नहीं जानते हैं। ठीक है, तो हम उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न, ठीक है, पर हमें उस वक्त ये पता नहीं होता, या फिर रीज़न हमें नहीं पता होता कि वो क्यों डिफरेंट है हमसे, क्यों अलग हैं। पीपल ऑल्सो फॉर्म, और जो लोग होते हैं उनके बारे में क्या, अलग ही अपना एटीट्यूड बना लेते हैं, ओपिनियन, राय बना लेते हैं, जो उनके जैसे नहीं दिखते हैं, मतलब कुछ भी सोच लेते हैं उनके बारे में, प्रेजुडाइज। ठीक है, तो प्रेजुडाइज क्या हो गया आपका, स्टेटमेंट। लुक एट द, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट बताई गई है आपको कि रूरल और अर्बन एरिया के बारे में, मतलब सोचा गया है कि लोग क्या क्या प्रेजुडाइज कर लेते हैं, मतलब क्या क्या सोच लेते हैं रूरल और अर्बन एरिया के लोगों के बारे में। तो रूरल पीपल के बारे में क्या सोचते हैं, मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन द विलेज, कि इंडिया में जो है 50% से ज़्यादा लोग विलेज में रहते हैं।
पीपल इन विलेज डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो विलेज में लोग हैं ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक है। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर्स, की जो हार्वेस्ट होता है जब फसल की कटाई होती है, प्लांटेशन होता है तो 12 से 14 घंटे जो है लोग फैमिलीज के फील्ड में रहते हैं। विलेजर आर फोर्स टू माइग्रेट सिटी इन टू सर्च ऑफ वर्क, जो लोग हैं विलेज के वो फिर क्या करते हैं माइग्रेट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मेनली सिटीज़ में वर्क के लिए, वर्क की सर्च के, जॉब के लिए। और अर्बन एरिया के बारे में क्या सोचते हैं ज़्यादातर, लाइफ इन सिटी इज़ ईजीली, पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी, कि जो सिटी में लाइफ है बहुत आसान है, यहाँ के लोग क्या होते हैं बहुत स्पॉइल्ड होते हैं और लेज़ी होते हैं, मतलब बिगड़े हुए होते हैं और लेज़ी होते हैं। इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद, और जो सिटीज़ में जो फैमिली है एक दूसरे के साथ बहुत कम टाइम बिताती है। पीपल इन सिटी ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल, कि जो सिटीज़ में लोग रहते हैं सिर्फ जो है पैसों के बारे में सोचते हैं, लोगों के अपने पीपल के बारे में नहीं सोचते हैं। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव, अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट, कि जो सिटीज़ में रहना क्या है बहुत महंगा पड़ता है, मतलब बहुत महंगी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। और जो लार्ज पार्ट, मतलब जो बहुत बड़ा पार्ट है लोगों की, जो उसमें से ज़्यादातर हिस्सा जो कमाते हैं वो उनकी या तो रेंट किराए पे खर्च हो जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में इधर से उधर जाने में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यही प्रिजुडाइज किया गया है स्टेटमेंट की, विलेजर जो है क्या होते हैं आपके कैसे होते हैं ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन बनाए हैं कि कैसे है विलेज के लोग ज़्यादातर, मतलब विलेज में रहते हैं 50% जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो सिटीज़ में लोग होते हैं मनी माइंडेड होते हैं, लेज़ी होते हैं, और नेगेटिव सोच बनाई है कि वो लेज़ी होते हैं, स्टिंगी होते हैं, ठीक है। तो ये जो है सब प्रिजुडाइज है। तो प्रिजुडाइज क्या होता है, प्रिजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम इन्फीरियर। प्रिजुडाइज क्या होता है, आपको लोगों को नेगेटिव वे में सोचना उनके बारे में, ठीक है, उनको अलग तरीके से देखना। वैन वी थिंक दैट ओनली पर्टिकुलर वे, जब हम सोचते कि सिर्फ इस चीज़ को करने का सिर्फ एक यही तरीका है, तो हम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, दूसरों के तरीके की रिस्पेक्ट नहीं करता है कि अगर वो दूसरे तरीके से कर रहा है कि वो सही हो सकता है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो सही हो, है ना। तो सिर्फ हम क्या बना रहे हैं, एक प्रिजुडाइज बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर हम इंग्लिश को ही क्या मान रहे हैं, बेस्ट लैंग्वेज मान रहे हैं और अदर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो हम दूसरी भाषा को क्या लग रहे हैं, नेगेटिव वे में ले रहे हैं, जिससे कि क्या हो सकता है कि हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे लोगों की जो कि दूसरी भाषा बोल रहे हैं इंग्लिश से अलग, ठीक है। तो हम किस बेस पे हम प्रिजुडाइज कर लेते हैं, मतलब कर सकते हैं, जैसे कि पीपल का रिलीजन हो गया, बिलीफ हो गया, कि अगर कोई दूसरे धर्म को मान रहा है, ठीक है, कि हम क्या है क्या मान लेते हैं कि सिर्फ हमारा धर्म ही सबसे अच्छा है, तो ऐसा नहीं है, सबके क्या है बिलीव्स अलग है, सबके को क्या मानना चाहिए, हमें इक्वल मानना चाहिए, ठीक है। मीन्स हमें क्या नहीं करना चाहिए कि अगर दूसरे रिलीजन का लोग है तो अच्छे नहीं है, कि जो कलर ऑफ स्किन, ठीक है, अगर उनकी स्किन का कलर जैसे कोई काला है गोरा है ना, तो काले गोरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, मेन जो होती है आपकी ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत, तो उसको देखा जाता है। तो किसी को उसके कलर से जज नहीं करना चाहिए, रिलीजन से, कैसे वो बात कर रहा है, कैसे वो कपड़े पहन रहा है, ठीक है। तो हमें उससे क्या नहीं बनाना चाहिए, ऐसे हमें कुछ थॉट, नेगेटिव थॉट नहीं लानी चाहिए, ठीक है। और हम लोगों को कैसे भी प्रिजुडाइज कर लेते हैं, ठीक है, और हम क्या सोच लेते हैं कि वो लोग तो बुरे हैं और हम उनके साथ क्या नहीं करते हैं, दोस्ती भी नहीं करते हैं ना, नेगेटिव ही सोचते हैं उनके बारे में, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जो हम प्रिजुडाइज करते हैं उनको कभी कभी क्या होता है, बहुत हर्ट कर जाता है, उनके दिल पर लग जाती है बात। तो यहाँ पढ़ेंगे हम, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है आपका, जैसे कि डिफरेंस करना बॉयज़, जैसे जेंडर में गर्ल्स हो गया, बॉयज़ हो गया, ठीक है, कि ये चीज़ जो है ये नहीं कर सकते, ये चीज़ जो है ये नहीं कर सकते, या फिर उन्हें फील नहीं होता होगा, है ना। वी आर बॉर्न एज बॉय, इट इज़ अ गिवन वॉट वी आर थिंक अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन दी गई हैं, तो यहाँ पर क्या प्रिजुडाइज किया जाता है मेनली बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है उनके बेसिस पर जो है लोगों ने क्या किया है, प्रिजुडाइज किया है।
तो जैसे कि है दे आर वेल बिहेव्ड, ठीक है, तो वेल बिहेव्ड किसे माना जाता है, गर्ल्स को। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, ये भी किसको माना जाता है, गर्ल्स को। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग किसे माना जाता है, बॉयज़ को। नॉटी भी बॉयज़ को माना जाता है। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, ये भी किसको माना जाता है, गर्ल्स को। दे डोंट क्राई, बॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है उसके बेस पे प्रिजुडाइज किया गया है अलग अलग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, आपको सही लग रहा है कि स्टेटमेंट सब सही है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट, ठीक है, अगर हम एक स्टेटमेंट को ले लें कि दे डोंट क्राई, कि वो नहीं रोते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये क्वालिटी किसके साथ एसोसिएटेड है, ज़्यादातर किसके साथ एसोसिएट जोड़ी जाती है, आपकी बॉयज़ हो गए, मैंस की, वो नहीं रोते हैं, ठीक है, जब वो बेबीज़ होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, बॉय, जब वो गिर जाते हैं, है ना, हर्ट हो जाते हैं, तो जो उनके फैमिली मेम्बर्स, जैसे कि अगर बच्चे को चोट लग जाती है ना, बॉयज़ को मेनली, है ना, तो उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं उसे, कि तुम्हें रोना नहीं है ना, कि तुम लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं है, कि बॉयज़ क्या होता है, बहादुर, मत रो, कि ठीक है। तो जब आप छोटे से बड़े होते हो, बॉयज़ एज अ बॉय, जब आप स्टार्ट करते हो ग्रो करना, तो आप ये बिलीव करना शुरू कर देते हो कि बॉयज़ जो है रोते नहीं है। तो अगर बॉयज़ को अगर रोने की भी लगी होगी, अगर वो रोना चाहता है, तो वो अपने आप को रोक देता है वो करने से, क्योंकि वो क्या सोच लेता है कि ये क्या है, इसका साइन है वीकनेस का, मतलब ये उसकी कमज़ोरी है, कि सो इवन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम वॉन्ट टू क्राई। तो एक तो क्या होता है कि सिर्फ गर्ल्स ही नहीं बल्कि बॉयज़ भी क्राई करना चाहती है, पर जो ये मैंटेलिटी बन गई है कि पेरेंट्स ने जो बोला है, जो बड़ों ने बोला है, तो हम वही मैंटेलिटी बनाते हैं, ठीक है। तो स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री, अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है या फिर वो पेन में है, दर्द में है, ठीक है। एज द ग्रो ओल्डर बॉय लर्न टू, ठीक है, तो जैसे ही बॉयज़ बड़े होते हैं तो अपने आप को टीच करना शुरू कर देते कि हमें रोना नहीं है, कि अगर बड़ा लड़का क्या होगा, रोएगा, तो उसे क्या फील होगा कि लोग क्या करेंगे, उसे चिढ़ाएंगे और उसके ऊपर हंसेंगे, तो वो क्या करना शुरू कर देता है, वो रोना शुरू कर देता है किसी के भी सामने, ठीक है। दिस इज़ वाई बॉयज़ आर, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, इसी तरीके से क्या होता है मैंटेलिटी की वजह से, कि ऐसे ही बॉयज़ होते हैं और गर्ल्स, जैसे कि उसके बारे में बताया जाता है, गर्ल्स भी वैसे ही होती हैं। दीज आर स्टेटमेंट वी हेयर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट, ठीक है। तो जो हम सुनते हैं तो हम क्या कर लेना, क्या सोचना शुरू कर देते हैं कि वही क्या है, रियलिटी है, ये सोचे बिना कि क्या सही है, ठीक है। एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव, और हम क्या सोच लेते हैं कि हमें सिर्फ वैसे ही बिहेव करना है जैसे हमें बताया गया है। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इन टू एन इमेज द सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस, ठीक है। तो हम बॉयज़ और गर्ल्स को वैसे ही इमेज में फिट कर देते हैं जैसे कि सोसाइटी ने हमें बताया है, कि बॉयज़ तो रोते नहीं हैं, कि बॉयज़ ब्रेव होते हैं, है ना, गर्ल्स रोती हैं, पर ऐसा नहीं होता है ना। कभी कभी क्या होता है, बॉयज़ को भी रोना आ जाता है, सिचुएशन ऐसी होती हैं, ठीक है। और गर्ल्स जो होती हैं क्या होती है, ब्रेवली होती हैं कभी कभी, है ना, वो नहीं रोती हैं। तो ये सिचुएशन बनाई सोसाइटी ने, जो हम सोच लेते हैं कि वो सिर्फ वैसे ही हैं, ठीक है। द सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड, ठीक है। तो ये गर्ल्स के बारे में सोचा जाता है ना, कि गर्ल्स की क्वालिटी होती है पहले से ही, है ना, तो ये सोच लिया जाता है। और गर्ल्स जो है नॉटी नहीं होती हैं, पर बहुत बार होता है गर्ल्स क्या होती हैं, नॉटी भी होती हैं, है ना, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। सबका अपना क्या होता है, नेचर होता है, बिहेवियर होता है, और सबको रोना आता है, इवन गर्ल्स हो बॉयज़ हो, ठीक है। पर जो है मैंटेलिटी बनाई गई, जो प्रिजुडाइज किया गया है कि गर्ल्स ऐसे होनी चाहिए, बॉयज़, तो हम सबको वैसे ही फिट कर देते हैं, इसमें कोई कोई बुराई की बात नहीं। अगर बॉयज़ भी रो रहा है ना, तो अगर वो रो रहा है तो कोई बात नहीं, रोने दो, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो। अब यहाँ पे देखेंगे, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप, ठीक है। जब हम एक इंसान को एक उसकी एक इमेज में फिट करने लग जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, आपकी एक स्टीरियोटाइप हो जाती है, एक थॉट हो जाती है, कि ठीक है। जब हम ये सोच लेते हैं कि अगर कोई लोग है कि वो किसी पर्टिकुलर कंट्री से है, अलग कंट्री से, या फिर किसी रिलीजन से है, अलग सेक्स से है, रेस से, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, आर स्टिंगी, क्रिमिनल है, डम्प, ठीक है। जब हम सोच लेते कि अगर वो उस धर्म से है, उस रिलीजन से है, और वो कैसा है, उसमें से बदबू आती है, और वो लेजी है, क्रिमिनल है, ठीक है, तो ये क्या है, सब स्टीरियोटाइप है, ठीक है। तो हम क्या सबके ऊपर ये अप्लाई कर देते हैं, जिस वो कंट्री के लोग हैं,
जिसको रिलीजन के लोग हैं, ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो पुअर है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो क्या है, मेल है फीमेल है, ठीक है। तो हम सबके बारे में ये सोचना लग जाते हैं कि हाँ कि वो रिलीजन है तो रिलीजन के लोग तो सब वैसे ही हैं, कि सब में से बदबू आती है, सब जो है क्रिमिनल है, चोर है, डम्ब है, ठीक है। तो ये सब स्टीरियोटाइप्स होते हैं, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, तो ये गलत है उनके बारे में ऐसा सोचना, है ना। सबकी क्या होती है, अलग अलग अपनी थॉट होती है, थिंकिंग होती है, क्वालिटी होती है, तो ये गलत है। स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप्स क्या करता है, हमें ये देखने से रोक सकता, ये रोक देता है कि उसकी उसमें यूनिक क्या है, उस पीपल में, उस रिलीजन के लोग में यूनिक क्या है। तो हम सिर्फ एक ही तरीके से देखने लग जाते हैं, हम वो क्वालिटी नहीं देखते हैं पीपल में जो क्वालिटी है, स्किल है, एवरी इंडिविजुअल में जो अलग अलग क्वालिटी स्किल्स होती है, वो हमें स्टीरियोटाइप देखने से रोकता है। अदर दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओनली, ठीक है। तो बहुत सारे पीपल को, लोगों को एक ही पैटर्न में फिट कर देते हैं हम स्टीरियोटाइप से, ठीक है। तो ये हमें स्टीरियोटाइप और भी क्या बहुत सी चीज़ें करने से रोकता है, जिसमें हो सकता है हम अच्छे हों, जैसे कि बॉयज़ को कहा जाता है कि कुकिंग में अच्छे नहीं हैं, है ना, और सिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उनको ये कहा जाए कि बॉयज़ का ये काम नहीं होता है ना, हो सकता है वो उसमें बहुत अच्छा हो, है ना। और गर्ल्स को ये कहा जाता है कि तुम घर में बैठो, मतलब घर के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट तो पढ़ाई में देखो, ठीक है, और तुम स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर सकती, है ना। पर ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियाँ भी स्पोर्ट्स में मेडल लाती हैं, है ना। तो स्टीरियोटाइप्स हमें क्या करने से रोकता है, जो स्टीरियोटाइप्स हमें करने से रोकता है वो चीज़ें जिसमें हम हो सकता है कि अच्छे हों। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में आपका, पार्ट 2 में, इन इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, आगे का पार्ट। थैंक यू।